ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, हिंदू धर्म में दिवाली के बाद का सबसे बड़ा त्योहार होता है, वो है होली का त्योहार। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को प्रदोष काल में होली का दहन किया जाता है और चैत्र कृष्ण की प्रतिपदा को होली खेली जाती है। रंगों के त्योहार होली में लोग एक दूसरे को रंग, अबीर और गुलाल लगाते हैं और एक दूसरे को बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। इस बार 2023 में होली जो है वो 8 मार्च 2023 के दिन मनाई जा रही है और होली के 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। और होलाष्टक की बात करें तो इस साल 28 फरवरी के मंगलवार के दिन जो होलाष्टक लग रहा है। चलिए बात करते हैं मित्रों होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में और यह भी जानेंगे कि आखिर होली का महत्व क्या है, होलिका दहन कैसे किया जाता है और होलिका दहन के दिन क्या ऐसे काम है जिनको करने चाहिए और क्या ऐसे काम है जिनको नहीं करने चाहिए, पौराणिक महत्व क्या है, कंप्लीट जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में गाय यानी कि गौ माता का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए आधी रोटी वगैरह दे देता है, बाकी कई लोग इनको मारकर दूधकार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता ना, तो यही गोमाता सड़क पर जो भी इनको नजर आता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलिथीन, पत्तल धोने डिस्पोजल या कचरे के ढेर में इनको जो भी नजर आता है, ये उनको खाने लगती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही दिन बाद गोमाता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, जब भी हम ये दृश्य देखते हैं ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गोमाता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो, आप इस QR पर जरूर कीजिएगा। आपका दिया हुआ दान किसी भी 1, 2 या 5 गौ माता को 1 दिन 2 दिन का भरपेट भोजन, हरा चारा या पौष्टिक आहार दिला सकता है और बदले में मित्रों माता लक्ष्मी का जो आपको आशीर्वाद मिलेगा ना, उसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। चलिए बात करते हैं इस बार होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, होलिका दहन जो है वो इस बार 7 मार्च 2023 मंगलवार के दिन मनाई जा रही है। होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा ना, शाम को 6:09 तक रहेगा और इस साल होलिका दहन 7 मार्च मंगलवार के दिन पड़ रहा है। दोस्तों, होली जो है ना, वो इस बार होलिका दहन के अगले दिन मनाई जाएगी। ऐसे में इस साल होली का त्योहार तो 8 मार्च बुधवार के दिन मनाया जाएगा, जबकि होली का दहन जो है ना, वो 7 मार्च के दिन ही किया जाएगा। चलिए बात करते हैं होली के महत्व के बारे में कि आखिर होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, फाल्गुन महीने के पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करते हुए होली का दहन किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार असुर राज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। बालक प्रहलाद को भगवान की भक्ति से विमुख करने का कार्य उसने अपनी बहन होलिका को सौंपा था। मतलब प्रहलाद भगवान विष्णु जी की भक्ति किया करता था, उनकी पूजा अर्चना किया जाता था, लेकिन राक्षस राज हिरण्यकश्यप यह पसंद नहीं करता था। वो यह चाहता था कि प्रहलाद हिरण्यकश्यप की पूजा करे, न कि भगवान विष्णु की, और उसने अपनी बहन होलिका को यह काम सौंपा कि आप प्रहलाद को इस तरह से सुधार लें, लेकिन होलिका प्रहलाद को नहीं समझा पाई और नहीं सुधार पाई। लेकिन दोस्तों, उस जमाने में होलिका के पास एक वरदान था कि वो आग में कभी नहीं जल पाती थी। प्रहलाद को बार बार समझाने का कि विष्णु की पूजा नहीं करें, ये सारे प्रयास जब विफल रहे ना, तो अंत में एक ही चीज बनी कि प्रहलाद को मार दिया जाए और उसको जला दिया जाए, और यह काम सौंपा गया हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को। होलिका को वरदान मिला हुआ था कि वह कभी भी आग में नहीं जल सकती। ऐसे में होलिका ने लकड़ियों का एक बड़ा ढेर मंगवाया और प्रहलाद को उसकी गोदी में लेकर लकड़ियों के ढेर में बैठ गई। लेकिन विष्णु भक्त प्रहलाद के भक्ति और प्रताप के कारण, या आप इसको भगवान विष्णु की कृपा ही मानिए, होलिका खुद ही आग में जल गई, लेकिन विष्णु भक्त प्रहलाद आग से बच गया, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। तब से इसी कारण से दोस्तों हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होली का त्योहार मनाया जाता है। चलिए जानते हैं मित्रों कि आखिर होली का दहन किस तरह से किया जाता है, होली का दहन करने की विधि क्या है, पूरी जानकारी अपन समझते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो लगातार मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते।
जाती हैं। यानी कि पूरी उम्र मेहनत करने के बाद भी उनका जीवन हमेशा गरीबी में ही निकल जाता है। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या कुंडली देखना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा देनी होगी। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, या आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चा लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है, अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से अपनी भविष्य की कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुजी से वार्तालाप कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए मित्रों, बात करते हैं कि आखिर किस तरह से किया जाता है होलिका दहन। दोस्तों, होलिका दहन में किसी पेड़ की शाखा को जमीन में गाड़कर उसे चारों तरफ से लकड़ी, कंडे या उपले से ढक दिया जाता है और इन सारी चीजों को शुभ मुहूर्त में जलाया जाता है। शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताई दिया है, और इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उबटन आदि डाले जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इससे साल भर व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है और सारी जो बुरी आत्माएं, बुरी बलाएं होती है ना, वो आपकी इस अग्नि में भस्म हो जाती है। होलिका दहन में भी आप सहयोग जरूर कीजिएगा। अगर आप भी कंडे वगैरह होलिका दहन में सपोर्ट में देते हैं, सहयोग में देते हैं ना, तो पूरे साल भर आपके घर में कोई भी बुरी ताकतें, बुरी शक्तियां नहीं आती। होलिका दहन पर लकड़ी की राख को घर में लाकर उससे तिलक करने की भी परंपरा है। होलिका दहन को कई जगह छोटी होली भी कहा जाता है, जो कि होली के एक दिन पहले ही किया जाता है। चलिए, होलिका दहन के दिन क्या क्या आपको काम करने चाहिए उसके बारे में भी जान लेते हैं, और क्या क्या काम नहीं करने चाहिए पूरी जानकारी अपन जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखेगा। चलिए बात करते हैं होलिका दहन के दिन क्या क्या ऐसे काम है जिनको नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, होलिका दहन के बाद आप अपने पूरे घर के लोगों के साथ चंद्रदेव के दर्शन करें शाम के समय, जिससे आपको अकाल मृत्यु का जो डर है ना, वो खत्म हो जाएगा। आपके परिवार के सदस्यों में होलिका दहन करने के पश्चात जो भी व्यक्ति चंद्रदेव के दर्शन करते और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं ना, तो घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। होलिका दहन से पहले होलिका की सात परिक्रमा करके उसमें मिठाई, उपले, इलायची, लौंग, अनाज, उपले आदि चीज डाले जाते हैं। इससे परिवार में सुख समृद्धि भी आती है। होलिका दहन के अगले दिन यानी कि 8 मार्च के दिन होली खेलने की परंपरा रहती है, और इस दिन लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं। इस बार दोस्तों, होली का जो त्योहार है ना, वो दो दिन मनाया जाएगा, 7 तारीख के दिन और 8 तारीख के दिन। चलिए जानते हैं कि होलिका दहन के बाद आखिर ऐसी कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत भगवान विष्णु जी की कृपा से एकदम से चमकने जा रही है, उनकी किस्मत भाग्यशाली बनने जा रही है। तो सबसे पहले नंबर पर जो भाग्यशाली राशि आती है ना, वो होगी मित्रों सिंह राशि। जी हाँ, फाल्गुन महीने में सिंह राशि वालों का भाग्य उदय होगा। भाग्यवश आपके कुछ काम भी बनेंगे और जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। इस साल होली के त्योहार के बाद अगर आपकी कोई भी संतान है तो वो आज्ञाकारी होगी, आपकी आज्ञा का पालन करेगी। व्यापारियों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है, आपकी इनकम के नवीन साधन बनेंगे। सिंह राशि वाले चाहे खुद का व्यापार करते हो या नौकरी करते हो, दोनों ही परिस्थिति में भाग्य का आपको पूरी तरीके से साथ मिलेगा और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपकी किस्मत में 4 चांद लगेंगे, किस्मत में आपके लॉटरी लगने के योग बनेंगे। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो होगी मित्रों धनु राशि। तो इस साल होली के बाद 3 ग्रहों के गोचर से धनु राशि वालों को कार्यस्थल पर प्रशंसा मिल सकती है। आपके उच्च अधिकारियों के साथ आपका सहयोग बनेगा और आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी। ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि काम के बोझ के कारण आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है और आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। इस साल 2023 में आपकी तनख्वाह में प्रमोशन होगा, और अगर आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना, तो इस साल 2023 में आपकी यह तलाश पूरी हो सकती है। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि की बात करें तो वो आती है मित्रों मिथुन
मिथुन राशि। जी हाँ, मिथुन राशि वालों को होली के बाद इस साल धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। आपके परिवार में कोई भी शुभ कार्य हो सकता है। कार्यस्थल पर आपको उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। उत्साह से आप भरपूर बने रहेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। नौकरी पेशा करने वाले जातकों को रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और काम के ऊपर आपका बोझ और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ओके मित्रों, तो इस वीडियो में अपन ने जाना है कि आखिर होली का त्योहार कब है, होली का महत्व, होली के बाद जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है उनके बारे में, और होली का दहन किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की काम की जानकारी से अपडेट रहने के लिए पेज को फॉलो करना नहीं भूलें। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।